हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हो गए, मस्त हो गए। तो आज हम इस वीडियो में IM इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, अगर किसी पेशेंट को फीवर ज़्यादा है और बॉडी में पेन ज़्यादा होता है तो उसे IV तुरंत देना अच्छी बात नहीं होती। पहले उसे इंटरनल या IM इंजेक्शन दे करके हम उसे उसका फीवर जो है पायरोजन जो है उसे कम करते हैं। और हम इस पेशेंट को पैरास्टामोल का इंजेक्शन देने वाले हैं, वो भी IM देंगे। ऐसे बहुत सारे पैराविर आता है, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और 2 ml का इंजेक्शन है, तो हम ये इंजेक्शन देने वाले हैं इस पेशेंट को। तो कैसे सही तरीके से दिया जाता है किसी पेशेंट को, जब उसे हाई फीवर होता है तो आप डायरेक्टली कोई भी इंजेक्शन उसे IV नहीं दें, क्योंकि उस टाइम पे उनका BP जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, तो उनके कार्डियक अरेस्ट हैं या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कभी कोई भी किसी को हाई फीवर है तो उस टाइम पे इंजेक्शन जो है इंट्रावेनस नहीं देना चाहिए। तो IVM इंट्रामस्कुलर बटक में इंजेक्शन हम देंगे। तो कैसे सही तरीके से दिया जाता है आप इस वीडियो को देखिए। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। बाकी ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं तो उनको जा करके देखिए, इन्फॉर्मेशन गेन करिए। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरा मेन चैनल है उस पर जा करके ज़रूर विजिट करिए, जिसका नाम है खागा फार्मेसी। उस चैनल पर जाइए, देखिए, और उसमें बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, रिलेटेबल वीडियोज़ हैं। आप सबके डेली मर्ज जो होते हैं उनसे ज़्यादा परेशान हो, दवाओं का सही इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में बताता हूँ। उनमें जितने भी वीडियोज़ पड़े उनमें सब मैं डिटेल में बताता हूँ, तो उनको जाकर के ज़रूर देखिए और उसमें भी अपना प्यार बनाइए। बाकी चलिए पेशेंट को दिखाते हैं कैसे सही तरीके से मैंने इंजेक्शन दिया। धर्मेंद्र, उनको भेजो अंदर। क्या हुआ? सुई तो सबके लगा थे, डेट तो लगभग करी। सुई से डरो, जो ने बीमारी ना आए आपके। कहाँ डरा दो तुम, तुम्हें लगते नहीं है? नहीं लगा ना धर्मेंद्र इनके? नहीं लगा तो चिल्लात ना। हाँ। कहा तो डराई थी। कहाँ जा रही तुम्हें सुनी? डराते तो है ही नहीं, मरो अपने आप से।